होके तेथों दूर मैं खोया अपने आप नू अद्धा हिस्सा मेरे दिल दा होया तेरे खिलाफ क्यों। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ शॉपिंग हॉल, बेसिकली सेफर शॉपिंग हॉल। सेफर से जो है ना मैंने विंटर की शॉपिंग की थी कुछ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। एज़ यू ऑल नो के सफ़ार की जो है ना विंटर कलेक्शन बहुत कमाल की, और इनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे इस बार लगी है कि अगर कोई एक फैब्रिक कोई एक आर्टिकल है इनका, आप उसको डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक में ले सकते हैं। लाइक आप उसको खद्दर में ले सकते हो, आप उसको कैम्ब्रिक में भी परचेज कर सकते हो। तो बड़ी मज़े की चीज़ें इन्होंने लॉन्च की। खैर अब मैं आपको वन बाय वन अपने ड्रेसेस दिखा देती हूँ। 3 ड्रेसेस मैंने टोटल सेफर से लिए। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। और एक बात बताती चलूँ, कोई सेल नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। सारा जो चीज़ें हैं ना वो फुल प्राइस पे मिली हैं। ओके, तो सबसे पहले ये वाला बैग देख लेते, इसको साइड पे कर लेते हैं। अच्छा, ये बैग का प्रिंट आपको देख के कुछ याद आ रहा होगा कि सेफायर का जो एक ड्रेस है, जिस तरह का इनका बैग का प्रिंट है ना, सेम इनके पास एक आर्टिकल है जो कि सारा खान ने अपनी मतलब सारा खान ने जो पहना हुआ था, ये बिल्कुल वैसा ही प्रिंट है इनके बैग के ऊपर भी। खैर इसको छोड़ते हैं। ओके जी, सो दिस इज़ द फर्स्ट वन। और ये जो है ना 3-पीस ड्रेस है, इसकी जो प्राइस है मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी प्राइस जो है वो 3500 तक है, और ये बहुत बहुत प्यारा आर्टिकल है क्योंकि इसका कलर कम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये 3-पीस ड्रेस है, और ये शायद यस कैमरे का ड्रेस है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। तो ये मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ। लड्डू पीले कलर का जो है ना इसका ट्राउज़र है, एंड दिस ड्रेस इज़ जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। खैर इस बात को छोड़ते हैं। इसका जो ये इसका दुपट्टा है, जो कि लॉन का दुपट्टा है, इसका फैब्रिक लॉन का है, बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक है इसका, लाइक बहुत लाइट वेट सा फैब्रिक है। अगर आप सर्दियों के कपड़े लेते हैं ना, उनके साथ जो खद्दर के दुपट्टे होते हैं ना, वो मेरे से तो बिल्कुल भी कैरी नहीं किए जाते। और लड्डू पीले कलर की ही इसकी शर्ट है। इसकी शर्ट भी खैर बहुत प्यारी है, उसके अंदर साथ जो है ना डार्क ब्लू और मस्टर्ड सा कलर जो है ना, ये आपस में, फिर मस्टर्ड कह रही हूँ मैं वैसे, ये लड्डू पीला कलर है, इनका कंट्रास्ट बहुत अच्छा लगता है। इसकी जो पिक्चर है ना वो इस तरह की है, ये इसकी जो फुल लुक आएगी ना वो इस तरह की आएगी। इसकी जो मुझे ना वेबसाइट पे पिक्चर नहीं मिली, और ये बहुत जल्दी ड्रेस सोल्ड आउट हो गया है। सिर्फ एक बार मैं जब सफायर पे गई थी तब मैंने देखा था, उसके बाद मुझे वेबसाइट पे भी ये ड्रेस कहीं नज़र नहीं आया, और ना ही उनकी आउटलेट पे दोबारा नज़र आया। मे बी किसी और आउटलेट पे ये अवेलेबल हो, लेकिन मैं जो है ना वो जो मेरे घर के पास है, नियरेस्ट है, वहाँ जाती हूँ और वहाँ मुझे नहीं मिला। खैर और इसका जो सेम कलर का इसका जो है ना वो ट्राउज़र है, तो ये बहुत प्यारा ड्रेस है। ये बेसिकली मेरी मम्मा का ड्रेस है, उन्होंने लिया है, लेकिन ये बहुत प्यारा है। नेक्स्ट ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो सेकंड ड्रेस आप देख लेते हैं। सेकंड जो है ना वो एक कॉर्ड सेट है, मैचिंग सेपरेट कह लें आप लोग, ठीक है। तो मैं बहुत अच्छे से सोच रही थी कि मैं ना एक ऐसा बनाऊँ, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर एक बनाया था लीलन फैब्रिक में और वो बिल्कुल फजूल हो चुका था। तो मैं अब चाह रही थी कि सर्दियों में भी ना एक ऐसा ले लूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा है आजकल ट्रेंड में है, तो इस वजह से मैं ही ले आई हूँ सफायर के पास जो है ना। अच्छा, इसकी प्राइस जो थी ना वो 2790 थी, ऑलमोस्ट 2800। और ये ब्लैक कलर का प्रिंट है। सफायर के पास ना इनकी जो विंटर कलेक्शन है ना, उसमें सबसे पहले ना यही आए हैं, मैचिंग सेपरेट से आए हैं, काफ़ी अच्छे प्रिंट्स हैं। तो खैर मुझे ये पसंद आया था, और भी एक दो पसंद आया था, लेकिन खैर अपनी अपने बजट को भी देखना होता है। तो खैर मैंने फिर उसके मैंने ना फिर ये ड्रेस ले लिया था। अब मुझे कमेंट में बताइएगा कि अच्छा है या नहीं, क्योंकि मैं इसके बारे में ना थोड़ी डबल माइंड हूँ। काफ़ी बार मैं सोच रही थी कि मैं इसको चेंज करवा लूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा पहनकर। अच्छा, तो प्राइस मैंने आपको बता दी, ये 2-पीस है, और मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी जब मैं इसको स्टिच करवा लूँगी, तो आपके साथ शेयर करूँगी। इसकी जो कंप्लीट लुक है ना वो कुछ इस तरह की है, और फैब्रिक इसका खद्दर है। एक इसके अंदर जो था ना वो लाइट खद्दर और हैवी खद्दर दोनों फैब्रिक्स है, तो ये जो है ना ये लाइट खद्दर है। अब जो लास्ट ड्रेस है हम उसको देख लेते हैं। हम नेक्स्ट ड्रेस अपना देख लेते हैं, जो खादी थी वो ये है ड्रेस, और इसकी जो प्राइस है वो है 3790 एज़ यू कैन सी। और खद्दर की शर्ट है, और खद्दर का ही ट्राउज़र है विथ शिफॉन दुपट्टा। अच्छा, इस पॉइंट पे आके ना मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं लॉन का फैब्रिक लूँ या फिर मैं खद्दर का लूँ। अगर मैं खद्दर का लेती थी ना, तो उसके साथ शॉल होती थी बाकी ब्रांड्स पर, और खद्दर का ही दुपट्टा होता था, और खद्दर का दुपट्टा जो है ना वो लेना काफ़ी मुश्किल है। तो मुझे खैर ये फिर सफायर पे मिला, मैंने इसके स्टफ़ के अकॉर्डिंग जो है ना फिर ये ड्रेस पसंद किया था। ये बहुत प्यारा है, मतलब अच्छा लगता है, इट्स अ काइंड ऑफ डिसेंट। इसके ऊपर प्रिंटिंग है एज़ यू कैन सी, अगर आपको सारा पता चल रहा हो। और कुछ ऐसा ड्रेस है इसका, ऐसा प्रिंट है, होप यू गेट दिस। तो इसका जो दुपट्टा है ना वो बहुत प्यारा है, वो शिफॉन का दुपट्टा है। किधर रख दिया मैंने, हाँ ये इसके साथ का दुपट्टा है। दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, मेरी मम्मा बता रही थी कि ये प्योर का है,
मतलब प्योर का दुपट्टा जिस तरह होता है, मुझे नहीं आइडिया, ये इस तरह का, इसके साथ का दुपट्टा है, ये बहुत प्यारा लगता है। और अलॉन्ग विथ दिस ट्राउज़र, बेस कलर का इसके साथ ट्राउज़र, आप इसकी खद्दर चेक कर सकते हैं, बहुत लाइट खद्दर है। और ये जो ड्रेस था, ये हैवी जो खद्दर होती है उस मटेरियल में भी अवेलेबल था, लाइट खद्दर में भी था, और एक दो और ऐसे आर्टिकल्स थे जो कि आप खद्दर में भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उनको आप कैम्ब्रिक फैब्रिक में भी ले सकते हैं। तो ये उनकी बड़ी अच्छी चीज़ आई है कि आपको जो भी फैब्रिक पसंद है आप वो ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो जब मैं ये ड्रेसेस स्टिच करवाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी सारे कि मैंने कैसे स्टिच करवाया और कैसी डिज़ाइनिंग करवाई है। उनके पास ये स्टिच्ड और अनस्टिच दोनों में अवेलेबल है, ये मैंने अनस्टिच लिया लेकिन स्टिच में भी अवेलेबल है, और उसकी प्राइस जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा है, बाकी आप इसको अनस्टिच में लेके खुद भी डिज़ाइन करवा सकते हैं तो वो काफ़ी रीज़नेबल पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।